What's up guys, this is Guru Man. Actually मैं कहीं किसी फंक्शन में जा रहा हूँ, दोस्त का कोई बर्थडे है तो वहाँ जा रहा हूँ। तो मैंने सोचा जाते जाते आपको एक, अभी मुझे फेसबुक पर क्वेश्चन पूछा गया है तो मैं उसका रिप्लाई आपको जल्दी कर दूँ, ताकि एक बहुत बड़ा मिथ है इंडिया में, और वो मिथ है कि क्या वे प्रोटीन आपकी किडनी को इफेक्ट करता है। ये क्वेश्चन पूछा है और इसका आंसर आपको बताता हूँ, बिल्कुल नहीं। किसी के पास कोई भी एविडेंस नहीं अभी तक आया कि वे प्रोटीन आपकी किडनीज पर इफेक्ट करता है, बिल्कुल नहीं। मैं आपको बताऊं, जिन लोगों को ऑलरेडी किडनी की प्रॉब्लम है, जो जिन लोगों की ऑलरेडी किडनी की प्रॉब्लम है और वो बिना कंसल्ट किए हुए कोई भी सप्लीमेंट ले रहे हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट, तो डेफिनेटली आपकी किडनी जो है उस समय हेल्दी नहीं है और आप प्रोटीन इंटेक ले रहे हैं तो अफेक्ट करेगी। अब मैं सिर्फ वे प्रोटीन नहीं, कोई भी प्रोटीन सोर्स, चाहे आप चिकन, एग्स, फिश, कोई भी प्रोटीन सोर्स आप खा रहे हैं और आपकी किडनी हेल्दी नहीं है, यू हैव किडनी प्रॉब्लम, तो आपको अफेक्ट करेगा, तो प्रोटीन आपको अफेक्ट करेगा, चाहे वो वे प्रोटीन है, चाहे वो चिकन है, चाहे वो एग्स है। तो इसका मतलब है आप, प्रॉब्लम आपके अंदर है, प्रॉब्लम आपकी किडनी के अंदर है, ना कि सप्लीमेंट के अंदर। कि वे प्रोटीन से किडनी पर प्रॉब्लम होती है, बिल्कुल नहीं। आज तक कोई भी प्रूफ नहीं है, अभी तक व्हाटसोएवर नो एविडेंस। आपको किसी के पास कोई एविडेंस है मुझे दिखाएं, कोई एविडेंस नहीं है, वो ब्रो साइंस है। ब्रो साइंस है कि इससे सुना, उसने बोला बस। क्योंकि जिसको किसी को प्रॉब्लम थी किडनी में और उसने बिना कंसल्ट किए वो सप्लीमेंट यूज किया, राइट, और उसे किडनी की प्रॉब्लम है और उसने सोचा वे प्रोटीन के कारण हुई है, बिल्कुल नहीं गाइस। पहले मैं आपको बताता हूँ आपकी किडनी का काम क्या है। आपकी किडनी का काम है ब्लड को फिल्टर करना। फिल्टर करने के बाद जो लिक्विड है आपके, वो यूरिन ब्लैडर में जाता है और वो लिक्विड जो है वो यूरिन के थ्रू बाहर आता है, राइट। ये तो आपको मालूम है ब्लैडर के थ्रू। तो वो किडनी है, अगर आपकी किडनी हेल्दी नहीं है वो अच्छी तरह से ब्लड फिल्टर नहीं कर पाएगी। तो अगर आपने यहाँ पर प्रोटीन लिया, चाहे वो चिकन है चाहे एग्स है, लिमिट से ज़्यादा, मतलब पहली बात तो आपकी मेडिकल कंडीशन है। जिन लोगों को किडनी की प्रॉब्लम है वो मेडिकल कंडीशन है, इसका मतलब है कि डॉक्टर से बिना पूछे आपने कोई भी सप्लीमेंट नहीं लेना, नंबर वन। उसके बाद आपने जो अपनी प्रोटीन इनटेक है फूड से वो भी कम करनी है और आपने पानी को ज़्यादा पीना है, ताकि आपका, आपकी जो किडनी है वो ब्लड को अच्छी तरह से फिल्टर कर सके। सो बॉटम लाइन ये है कि कोई भी लोग, कोई भी पर्सन जो भी प्रोटीन ले रहा है, सप्लीमेंट ले रहा है, आप अपने पानी जो है वो लगभग 3-4 लीटर दिन में ज़रूर पिए, ताकि आपकी किडनी जो है ब्लड को फिल्टर करती रहे और आपका ब्लड है जो सर्कुलेशन वो थिक ना हो। अगर ज़्यादा थिक हुआ तो किडनी वो फिल्टर नहीं कर पाएगी। तो इसका जो रीज़न है वो वे प्रोटीन या ऐसा प्रोटीन चीज़ नहीं है। इसका प्रॉब्लम है कि आपको हेल्थ प्रॉब्लम है, तो उसका मतलब ये नहीं अगर आपको प्रॉब्लम है तो दूसरे लोगों को प्रॉब्लम है, बिल्कुल नहीं। अगर आपको हेल्थ प्रॉब्लम है तो आपकी मेडिकल कंडीशन है, तो आप डॉक्टर से पूछें, फिजिशियन से पूछें, न्यूट्रिशनिस्ट से पूछें, ट्रेनर से ना पूछें। अगर आपका ट्रेनर सर्टिफाइड नहीं है और अगर आपका ट्रेनर सिर्फ पर्सनल ट्रेनर है, उसके बाद न्यूट्रिशन की इन्फॉर्मेशन नहीं है, डिग्री नहीं है, सर्टिफिकेशन नहीं है, तो उसको मेडिकल कंडीशन के बारे में नहीं मालूम, तो वो आपको प्रोटीन सप्लीमेंट रेकमेंड कर देगा। तो वो मूर्खता होगी अगर कोई आपको ट्रेनर बिना आपकी मेडिकल कंडीशन जाने हुए आपको सप्लीमेंट रेकमेंड करता है, बिल्कुल गलत है। सो ये आपकी हेल्थ है, आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग आप डाइट में वो न्यूट्रिएंट ऐड करें। अगर वो न्यूट्रिएंट की कमी है, डेफिशिएंसी है, तो सप्लीमेंट ऐड करें। सो बिल्कुल नहीं, प्रोटीन आपके किडनी को अफेक्ट नहीं करता। सो सिंपल एज दैट। इसलिए अगर आपकी किडनी की प्रॉब्लम है, गो सी योर डॉक्टर और पानी ज़्यादा पीना शुरू करें। ऑलराइट गाइस, टेक केयर, बाय।